2020 में कोरोना काल की शुरुआत में निगम भिलाई द्वारा नेशनल हाईवे सहित कई मुख्य मार्गों के किनारे वृक्षारोपण किए गए थे, जो अब पेड़ बनने की कगार पर हैं और इस भीषण गर्मी में आम लोगों को राहत पहुंचाने का कार्य भी कर रहे हैं। ये रोड के किनारे लगे हुए वृक्ष निगम भिलाई द्वारा कोरोना काल के शुरुआती दौर में लगाए गए थे, क्योंकि इस समय लोगों को यह पता चल चुका था कि कोरोना की बीमारी में ऑक्सीजन का कितना महत्व है। निगम भिलाई ने भी इसी चीज को ध्यान में रखते हुए पूरे निगम क्षेत्र के मुख्य मार्गों के किनारे वृक्षारोपण का कार्य किया और अब ये छोटे पौधे वृक्ष का रूप लेने लगे हैं और मुख्य मार्गों पर चलने वाले राहगीरों के लिए काफी अहम सिद्ध हो रहे हैं, क्योंकि यह वृक्ष जहां धूप से राहत देते हैं, वहीं इन वृक्षों के नीचे पनाह लेने से गर्म हवाओं से भी निजात मिलती है। 2 वर्ष पूर्व निगम भिलाई ने जिस मकसद से इन पौधों का रोपण किया था, वह आज कहीं न कहीं पूरा होता नजर आ रहा है, जिस बात से निगम प्रशासन भी आज खुश नजर आ रहा है। वृक्षारोपण करने के उद्देश्य को नगर पालिक निगम भिलाई के जनसंपर्क अधिकारी पीसी सारवा ने न्यूज टीम को बताया। देखिए, माननीय महापौर जी और कलेक्टर महोदय और आयुक्त महोदय के निर्देश पे हमने प्लांटेशन का काम किया है और लगभग 3 वर्ष पूर्व और 2 वर्ष पूर्व जब लॉकडाउन था तो हमने इस पे कॉन्सेप्ट किया था। जब सभी शहर के सारे भीड़ जो थे वो बंद थे, सभी अपने घरों में थे, लॉकडाउन का समय था, एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट निगम ने लाया कि हम क्यों ना प्लांटेशन करें और उसको जीवित करके दिखाएं। तो सबसे पहले हमने इसको NH से शुरू किया। NH के जो रोड किनारे हैं, अब वो वहाँ से हमने ये पहला स्टेप लिया और वो प्लांटेशन का काम हमने लगाना शुरू किया। जैसे ही हमने प्लांटेशन किया तो हमने कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट उसमें दिए कि कुछ बड़े पौधे हमको लगाने चाहिए जो 2 से 3 वर्ष में इनके छांव हमको मिल सके, राहगीरों को मिल सके, लोग इस पे अपना जो है छांव प्राप्त करके ऑक्सीजन प्राप्त भी करें, ये कॉन्सेप्ट के साथ हमने प्लांटेशन किया था। और उसके सुरक्षा की जो बात थी उसमें हमने ट्री गार्ड उसमें दिया था ताकि जानवरों से सुरक्षित रहे, वाहनों सुरक्षित रहे और अन्य कारणों से सुरक्षित रहे। तो इस कॉन्सेप्ट के साथ में हमने जितने भी पौधे लगाए वो मैक्सिमम पौधे आज कम से कम 20 से 25 फीट हाइट के हैं और वो छांव दे रहे हैं। कदम, गुलमोहर और स्टोपीडिया, तपेदिया रोजा जैसे प्लांटेशन हमने किए हैं जो छांव देते हैं, ऑक्सीजन प्रदाय करते हैं। और इन्हीं कॉन्सेप्ट के साथ हमने सुरक्षित रखने के भावना से इस गर्मी के दिन में पानी सिंचाई की व्यवस्था की। हमेशा हमने वो उस पौधों को बच्चों की तरह देखभाल किया, क्योंकि प्रारंभिक तौर पर ये करना जरूरी होता है। और आज जब बड़े हो रहे हैं तो हमको भी अच्छा लग रहा है, निगम को भी अच्छा लग रहा है कि हमारा जो कॉन्सेप्ट था जो प्लांटेशन का था वो सक्सेसफुल आज हो रहा है। और हम सेकेंड कॉन्सेप्ट में फिर हमने जो है कुरुद रोड को चयन किया। कुरुद रोड के साथ में जो शंकराचार्य रोड है उस रोड के उस बेल्ट में हमने सड़कों के किनारे प्लांटेशन किया, वो भी आज सक्सेस है। और भविष्य में भी इसी तरह जो रोड किनारे का प्लांटेशन है, पटरी के इस पार का जो कॉन्सेप्ट है उसको भी हम ले रहे हैं ताकि जो हरियाली BSP में बना रहे, ऑक्सीजन का कॉन्सेप्ट जो संतुलन वातावरण का है वो बना रहे, राहगीरों को छाया मिल सके, ऑक्सीजन मिल सके, इसी भावना के साथ में जो निगम जो है वो ये प्लांटेशन का काम कर रहा है। वैसे देखा जाए तो हम इंसान ही प्रकृति के दुश्मन बने हुए हैं और जब जब भीषण गर्मी बढ़ना प्रारंभ होती है तब तब हमें यह एहसास होता है कि हमारे लिए और प्रकृति के लिए वृक्ष कितने जरूरी हैं, क्योंकि इन्हीं वृक्षों की छांव में राहगीर तनिक ठहर कर सुस्ता लेते हैं और शीतल हवा की बयारों से तरोताजा होकर और फिर चल निकलते हैं अपने आगे की यात्रा करने को। इसलिए अभी यह जान लेना जरूरी है कि वृक्षारोपण हमारे जीवन के लिए और प्रकृति के लिए कितना महत्वपूर्ण है। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।